हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा डिफरेंशियली एबल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम कौन कौन से हैं उसके लिए। ये जो आपका टॉपिक है ये यूनिट 3 पेपर 2 पार्ट बी है ना, सारी टफ हो गया है। पेपर 2 का पार्ट बी, मैंने इसके पहले जो आपको बताया था वो इश्यूज एंड चैलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स एजुकेशन था, राइट। यहाँ पे जो टॉपिक है, यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी असेसमेंट आपको करना है। जो पहला पार्ट था उसमें सिर्फ इश्यूज पूछा गया था, चैलेंजेस पूछा गया था। इस पार्ट में जिन लोगों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि डिफरेंशियली एबल क्लासेस, सीनियर सिटीजन्स, देन वुमेन एंड चाइल्ड, अंडर प्रिविलेज क्लासेस, डिस्प्लेस्ड ग्रुप अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसमें जनरली ट्राइबल्स वगैरह के बारे में काफ़ी पढ़ेंगे अपन। तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको असेसमेंट भी करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि शायद थोड़े 11 मार्कर के आ सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें वेलफेयर प्रोग्राम्स भी पूछा गया है। तो वेलफेयर प्रोग्राम्स मतलब कि गवर्नमेंट के सॉल्यूशन स्ट्रेटजीज, और उसका दोनों साइड होता है, मतलब पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये चीज़ रहेगा, ठीक है। तो अभी अपने ये देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल नितिशु अकेडमी, और MPPSC के वीडियोज़ वगैरह के लिए आप देख सकते हो, कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम। फाइन, लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशियली एबल्ड पीपल, इनको पहले हैंडीकैप पीपल कहा जाता था, और ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD, ये वर्ड आज भी यूज़ किया जाता है। तो ये वर्ड अब हम यूज़ करना बंद कर दिया, और इसके जगह जो नया वर्ड आया है वो एक दिव्यांजन भी आया है, ठीक है, दिव्यांजन। तो ये भी गवर्नमेंट अभी रिसेंटली कुछ टाइम से दिव्यांजन के नाम से एड्रेस कर रही है इन्हें, ओके। नाउ पॉपुलेशन इनकी इंक्रीज हुई है विथ रिस्पेक्ट टू सेंसस 2011। तो पहले हम ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, मतलब हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है इन लोगों को लेते हुए। डेफिनेशन क्या होगा, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिफाइंड डिसेबिलिटी एज सर्टिफाइड बाय अ मेडिकल अथॉरिटी। नॉट डिफाइंड डिसेबिलिटी क्या होती है, यहां पे मैंने एक एक्ट लिखा है, राइट टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी 2016, राइट। इसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। इन 21 में से आपको कोई भी डिसेबिलिटी होती है, यू आर अ पर्सन हु हैज़ अ डिफाइंड डिसेबिलिटी, और डिफाइन कहाँ किया गया, एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, और आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा किसी मेडिकल अथॉरिटी से जो सर्टिफाई करेगा कि आपका डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, तभी आपको इसमें जो भी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं वो आप ले सकते हो। तो ये 21 ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि इसके पहले ना 1995 वाला एक्ट चलता था, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, उसमें सिर्फ 60 डिसेबिलिटी थी। तो जो हमारा डिसेबिलिटी रिलेटेड लॉस थे वो सिर्फ 7 वैरायटी ऑफ डिजीजेस के लिए, या कुछ जो डिफरेंशियली एबल लोग रहते हैं, 7 सिर्फ बीमारियों के बारे में लिखा रहता था उसमें, इसको 21 कर दिया गया, विच सिंपली मीन्स यू दे इंक्रीज द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीजेज दैट वी आर कवर्ड। और उसमें एसिड अटैक को शामिल किया गया, उसमें ऐसे लोग जो कह सकते हो आप सेरेब्रल पैलेसी वाले जितने भी हैं उसमें भी, और अलग अलग डिटेल भी लाइक किया गया कि किसी को मोटर न्यूरॉन फंक्शन का कुछ डिसीज वगैरह टाइप का कुछ था। तो वे 21 अब डिजीज के लिए आपको यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ मेडिकल अथॉरिटी, इफ इट इज़ मोर देन 40% आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लेस देन 40% तो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये अपने आप में ही थोड़ा चैलेंज हो जाता है कि हु विल डिसाइड कि 40% किस हद तक 40% होता है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन रहता है मेडिकल अथॉरिटी का, जो कई बार एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कई बार ये लोग, ठीक है। सो प्रॉब्लम फेस सबसे पहले देखेंगे, पॉलिसीज इग्नोर एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। तो इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को उतना वो इग्नोर कर देते हैं पॉलिसीज़ में। काफ़ी जगहों पे देखिए, आपको पता है कि कोई देख नहीं सकता तो आप उसके लिए ब्रेल यूज़ करेंगे, राइट। बट सिर्फ ना देखना ही तो एक ही एस्पेक्ट है 21 में से, और भी चीज़ें हो सकती हैं सामने वाले को। तो इसकी वजह से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनको एक्सेप्टेंस बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनके लिए अलग स्कूल बनाए जाते हैं, जैसे आप निशक्त जन स्कूल कहते हैं, या फिर दिशा स्कूल्स के नाम से भी जाना जाते हैं लोग ये स्कूल्स वगैरह। तो यहाँ पे ये सब बाकी सिस्टम्स रहते हैं, पर तब भी देखा जाए तो एजुकेशन को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि एजुकेशन इग्नोर रहता है इसलिए पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ये साथ साथ चलता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, फेलियर टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव सोशल बैरियर्स, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि हम सोशल बैरियर्स को रिमूव करें। कई बार हमने देखा होगा कि ऐसे लोगों को सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, ये सोसाइटी का ही ड्रॉबैक है, गलत है हम इस जगह पे। लैक ऑफ रिकॉग्निशन इन सोसाइटी,
लीड्स लीडिंग टू सोशल स्टिग्मा। कोई भी पर्सन में डिसेबिलिटी आएगा, आप एक हीन भावना से उन्हें देखते हो, ये गलत बात है, यू नो। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था योजना मैगजीन में, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि वो लोग ये नहीं चाहते आपसे कि आप उन्हें बहुत हीन ये मतलब ऐसे बुरी नज़र से देखो, वो बस ये चाहते हैं कि उन्हें भी इक्वल नज़र से देखा जाए, उन्हें कोई इस नज़र से ना देखे अरे अरे आपके साथ क्या हो गया। वो सिंपैथी नहीं चाहते हैं, वो एम्पावरमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी उनका इक्वल कंसिडर करिए। अभी रिसेंटली आप करंट अफेयर्स में देख रहे हो कि पैरालंपिक्स चल रहा है रियो में, आपका रियो बोल रहा हूँ, टोक्यो में तो पैरालंपिक्स में भी कितना अच्छा ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि उनको एम्पावर करें, उन्हें स्टिग्माइज व्यू पॉइंट से ना देखें, उन्हें एक इक्वालिटी की नज़र से देखें, राइट। देन डिसेबिलिटी और एजुकेशन का अगर एक लिंकेज देखा जाए तो डिसेबिलिटी एक स्टेटलेस सब्जेक्ट है, राइट। एजुकेशन एक कॉन्करेंटली सब्जेक्ट है, और जब डिसेबिलिटी एजुकेशन की बात आती है तो पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा, प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह आप मिनिस्ट्री भी देख सकते हो, डिसेबिलिटी के लिए जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले नाम मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हुआ करता था, तो इनकी एजुकेशन की बात आएगा तो पॉलिसी क्या करेगा। तो इस पॉइंट पे कई जगह पॉलिसी फ्यूज हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, समझ में नहीं आता कि भाई कौन करेगा। स्टेट लिस्ट के अंदर तो सिर्फ डिसेबिलिटी रिलेटेड है, पर इनकी एजुकेशन कहाँ से आएगी, एजुकेशन कॉन्करेंटली सब्जेक्ट है तो पॉलिसी इश्यूज हो जाते हैं। देन फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं किसी इंसान को, बहुत ही कम ऐसे लोग रहते हैं जो किसी भी एक डिसेबल्ड पर्सन को एज अ फैमिली समझें, उसे संभाल के रखें। जनरली इनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ऑर्फन होम में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये बात भी सही होती है कि हर फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, बिकॉज अगर आपको किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है, यू नीड मनी, राइट। देन यू हैव एक्सेसिबिलिटी चाहिए, आपको मनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, या कुछ जो भी कुछ आप बेटर कर सकते हो, और हर किसी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता, तो फिर यहाँ पे फैमिली सपोर्टिव नहीं रहती हैं और वो जनरली उनको छोड़ देती हैं, तो उनका जो जिम्मेदारी रहता है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है, या जो वेलफेयर कुछ एनजीओज रहते हैं वो हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे एक ये इशू रहता है। देन टीचर्स हैं जो इनको पढ़ाते हैं, उनके पास भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं होती है कि उन्हें पढ़ाया कैसा जाए, ब्रेल के बारे में, या कोई एक कौन से एक मशीन आती है, कुर्जवेल करके एक मशीन आती है, वो उससे भी काफ़ी हेल्प होती है, तो वो भी नहीं पता रहता टीचर्स को कि कैसे यूज़ करना है। देन लेबल्ड एज अनप्रोडक्टिव इन सोसाइटी, दे आर जनरली लेबल्ड एज अनप्रोडक्टिव एंड देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज बर्डन टू द सोसाइटी, विच इज़ अगेन रॉन्ग, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की, ये जजमेंट आपका आया था 2019 के आसपास, राइट, एंड दिस लेड टू एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, दिस जजमेंट इन फर्दर लेड टू AIC। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने एक आ गया था, ये सुप्रीम कोर्ट का ही कोटेशन, इसलिए मैंने इसको वैसा लिखा है, डिसेबल्ड पर्सन लिव बिहाइंड क्लोज डोर ऑफ नेगलेक्ट ऑफ बोथ फैमिली एंड सोसाइटी। मतलब इन्हें नेगलेक्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा, फैमिली के द्वारा भी और सोसाइटी के द्वारा भी, एंड वेरी फ्यू ऑफ देम हैज़ फाउंड द की टू ओपन द डोर। मतलब इन्हें, मतलब आप समझ लो कि इन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो आपको बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहना है इनके प्रति, ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी को आप वही जो फीलिंग जिन्होंने बताई थी कि आपको ऐसे हीन भावना से नहीं देखनी, अरे बाप आपके साथ ये क्या हो गया, ये वाली फीलिंग मत रखिए। कोशिश करिए कि वो भी इक्वल सिटीजन बन सके, उनके लिए भी हर चीज़ ओपन रह सके। इसी जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ने शुरू किया एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसके अंदर जितने भी सरकारी या पब्लिक ये थे आपके ऑफिस थे, उसमें रैंप बनाना कंपलसरी था, ताकि सामने वाला ऑफिस आ तो सके, अपनी बात कह तो सके। अब भाई साहब वहाँ पे रैंप नहीं है तो वो चलेगा कैसे, मतलब ठीक है, मान रहे हैं रैम की वजह से हर ये 21 में से सबको रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, पर जिनको पड़ती होगी वो कम से कम उनके पास वो तो रहे, टॉयलेट्स होने चाहिए एक्सेसिबल। इसलिए जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं आप उसमें देखोगे कि एक हैंडीकैप वाला या पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला टॉयलेट अलग रहता है, ठीक है। ये ट्रेनों में भी रखना कंपलसरी है, ट्रेनों में भी ऐसे कुछ टॉयलेट्स रहते हैं, ट्रेनों की जो सीढ़ियाँ रहती हैं यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बसेज में ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो जब सोसाइटी में ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो सामने वाला अपने आप बर्डन तो रहेगा ही ना, आप उनको क्यों ऐसा नहीं करते कि वो सोसाइटी में इजीली एक्सेप्ट हो सकें, राइट। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिस लीड टू वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 राइट वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही लिख सकते हैं, या तो इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर एंड एंड बीच में भी लिख सकते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम्स, पहला वेलफेयर प्रोग्राम एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चलाती है, उसके अंदर स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी भी चलाता है, मतलब एक ही चीज़ है ये, उनके अंदर डिपार्टमेंट है ये।
इसके अंदर क्या है, टू अचीव नेशन वाइड एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड क्रिएटिंग अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। मतलब सामने वाले को अगर कहीं पे भी ट्रेवल करना है तो पूरे एनवायरनमेंट में बैरियर नहीं होना चाहिए उसके लिए, वो कहीं पे भी जा सकता है। रोड इस तरह से डिजाइंड हो, आपका फुटपाथ इस तरह से डिजाइंड हो, सामने वाला इजीली ट्रैवल कर सकता है। पर अगर आप देखेंगे कि ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ महानगरों तक ही सीमित है, मतलब आप मेट्रो शहर में देख लीजिए या भोपाल जैसे सिटीज़ में, इंदौर जैसे सिटीज़ में, वहाँ आपको मिल जाएगा, बट आप छोटे शहरों में देखोगे तो ये चीज़ अभी भी इनएक्सेसिबल है, ठीक है। देन थ्री पिलर्स इसी स्कीम के अंदर, थ्री पिलर्स हैं, बिल्ट एनवायरनमेंट पे फोकस करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। ओके, बिल्ट एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि बिल्डिंग वगैरह से रिलेटेड, मतलब आपको पास रैंप्स होना चाहिए, एलिवेटर्स वगैरह होने चाहिए जो डिसेबल्ड लोगों के लिए यूज़ हो सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजीली वो एक्सेस कर सकें, इजीली जा सकें, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो नॉर्मल कोई भी गाड़ी वगैरह हो, इस तरह से। देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनके पास, उससे भी इनको हेल्प मिलनी चाहिए, बी इट स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ इस टाइप का, कुछ हियरिंग एड्स, कुछ ब्रेल के लिए आजकल IITs वगैरह में काफ़ी अच्छी रिसर्च हो रही है, जहाँ पे वो कुछ उन्होंने गॉगल्स वगैरह बना रखे हैं, जो कलर से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बना रखा है। तो ऐसी चीज़ें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आप ले सकते हो। कभी भी करंट अफेयर्स में कोई डिवाइस का नाम आएगा कुछ भी, तो वो आपको याद रखना है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो उसे, राइट। देन एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स, ये बात भी इसी कैंपेन के अंदर कही गई थी कि आप उनको टाइम दे दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप ये सब कर लीजिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंदर। इसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से मेजर किया जाएगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो पब्लिक प्लेसेस हैं या पब्लिक स्पेसेस हैं, वो किस हद तक एक्सेसिबल हैं, राइट। तो एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स उसका कितना है, अगर देखा जाए तो कर्नाटका अकेला ऐसा स्टेट है इंडिया में जो पूरे पब्लिक बिल्डिंग्स का एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स निकालता है। ये देखता है कि कितनी कौन सी पब्लिक बिल्डिंग कितनी एक्सेसिबल हैं, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव। तो आप ये ले सकते हो कि मध्य प्रदेश भी इस डायरेक्शन में कुछ कर सकता है। देन इचियोन स्ट्रेटजी, इचियोन एक शहर है कोरिया का, राइट, साउथ कोरिया का है, फाइन। तो इचियोन स्ट्रेटजी ये 2013 से 2022 तक चली थी, इसमें ऐसा बताया गया था इंटरनेशनल लेवल पे कि एशिया और पैसिफिक रीजन को हम बैरियर फ्री सोसाइटी बनाएं, मतलब ये इससे रिलेटेड है कि बैरियर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, बैरियर फ्री सोसाइटी बनाएं। तो आप इस स्ट्रेटजी के बारे में ले सकते हैं। नेशनल स्किल पॉलिसी, इसमें 38 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटी को ट्रेनिंग दी गई ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, स्किल रहेगा तो पॉवर्टी नहीं रहेगी, पॉवर्टी नहीं रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो लिंकेज है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। देन नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सॉफ्ट लोन्स देता है, ये दिल्ली में लोकेटेड है नेशनल हैंडीकैप, इसका NHFDC बड़ा फेमस बॉडी है एक, और इसके अंदर जो लोन का जो स्कीम है उसका नाम है दिव्यांजन स्वावलंबन योजना। ये अभी नया नाम दिया गया है इस स्कीम को, पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था। तो दिव्यांजन स्वावलंबन योजना ये आप याद रख सकते हैं, NHFDC एक स्कीम देता है, सॉफ्ट लोन देता है, बहुत ही कम, मान लीजिए 3% इंटरेस्ट रेट पे इन्हें लोन मिल जाता है अगर इन्हें कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है कुछ तो। देन मरक्केश ट्रीटी, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक, और इसमें टेक्स्ट बुक ब्रेल, ऑडियो और लार्ज टेक्स्ट के हिसाब से बुक्स वगैरह छपते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है याद रखिएगा। देखिए मरक्केश अकॉर्ड अलग है, मरक्केश ट्रीटी अलग है, मरक्केश अकॉर्ड इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स, राइट, ये आप याद रखिएगा। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है एक इंटरनेशनल, और इसमें एक और खास बात है कि इंडिया वॉज द फर्स्ट सिग्नेटरी, राइट, ये आपको याद रखना है, इंडिया वॉज द फर्स्ट सिग्नेटरी ऑफ मरक्केश ट्रीटी। देन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अपने आप में काफ़ी राइट बेस्ड एक्ट माना जाता है। ये एक्ट ने, मैंने आपको बताया था कि 1995 के एक्ट को रिप्लेस किया था, और 2016 में जब ये एक्ट आया तो काफ़ी कुछ इसमें डिटेल ऐड किया गया। पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी, 4% भी है, 5% भी है कई कई जगहों पर, टोटल 5% अगर सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्जाम में आता है ऐसा कुछ क्राइटेरिया के अंदर। देन कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, द ट्रू लिबरेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन is equal opportunity for their full participation in every aspect of their life, ठीक है। So this is one good conclusion, ये आप लिख सकते हो directly, ठीक है, उनके true liberation के बारे में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा short में cover करने की कोशिश की है कि उनके साथ issues क्या हैं। आप इसमें definitely हर point पर build up कर सकते हो और ज़्यादा information डाल सकते हो। आप कोशिश करिएगा कि आप थोड़े technical terms डालें, कुछ machines के नाम डालें, कुछ एक ऐसी मैंने आपको technology बताई थी जहाँ पर आप वो गॉगल वगैरह जो टेक्नोलॉजी था उसमें सामने वाला आगे का रास्ता बना सकता है, वो वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड है, VR टेक्नोलॉजी जो रहती है, या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी आप यूज़ कर सकते हो,
ऑगमेंटेड रियलिटी जो रिसेंटली इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह से रिलेटेड स्टफ़ है, ये सब आप लिख सकते हो कि आप यू नो कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो उनको ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, राइट। सो डैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसके आगे जो इशू है वो सीनियर सिटीजन्स का है, राइट। तो उससे रिगार्डिंग मैं एक लेक्चर बना दूंगा आपका, ठीक है। तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एडमिशन्स आर ओपन इन माई क्लासेज, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। एंड दोज इन दोज नियर बाय छिंदवाड़ा, जैसे छिंदवाड़ा आना है वो भी रह सकता है यहाँ पे आके। एंड ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, टेक केयर।